बच्चा तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। विदेशी विनिमय दर के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी है फटाफट से बेटा इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं, आपको पता ही है, ठीक है, सर पे ही है। तो विदेशी विनिमय दर के एमसीक्यू की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बन रहा है, देखो ये भी मैं कोशिश करूंगा पार्ट्स में तोड़ तोड़ के बनाने की, क्योंकि एकदम से पूरी वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। बट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर वन करते हैं, क्योंकि आपको तो पूरी मिलेगी ना वीडियो, ठीक है। मैं पार्ट पार्ट में बनाऊंगा जरूर, बट आपको जो वीडियो मिलेगी बेटा वो पूरी मिलेगी, ठीक है। विदेशी विनिमय दर का पहला क्वेश्चन है, विनिमय दर एक देश की मुद्रा की इकाइयों को मापती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त किया जा सकता है। और ये स्टेटमेंट किसने लिखी थी, मैंने वहां पे बताया था थ्योरी में, बेटा क्राउथर ने, ठीक है ना। तो आपको याद रखनी है बेटा कि ये जो स्टेटमेंट जो दी है ना, ये क्राउथर जी ने दी है, ठीक है, और उनके नाम पे ये स्टेटमेंट पढ़ी जाती है इसीलिए। चलो पॉइंट नंबर टू, जिस विनिमय दर पर विदेशी करेंसी की मांग यानी डिमांड बराबर पूर्ति यानी सप्लाई के, यानी मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाती है, उसे कहते हैं विनिमय दर की समता दर, या विनिमय की संतुलन दर, ठीक है। संतुलित दर भी बोल सकते हो, खाली संतुलित विनिमय की जो संतुलित विनिमय दर, संतुलित विनिमय दर, तो संतुलित विनिमय दर बोल दो, या विनिमय दर की समता दर बोल दो, या विनिमय की संतुलन दर बोल दो, ठीक है। ये वो दर होती है जहां पे आपका मांग और पूर्ति दोनों क्या होती है, बराबर होती है। किसकी? विनिमय दर की, ठीक है, विनिमय दर पर विदेशी करेंसी की, सॉरी। तो विदेशी करेंसी की मांग पूर्ति जहां पे बराबर होती है, वहां पे उसे विदेशी विनिमय की समता, जो हमारे विनिमय की समता दर बोल दो, विनिमय की संतुलन दर बोल दो, या संतुलित विनिमय दर बोल दो, क्लियर है। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आगे, ब्रेटन वुड्स प्रणाली का नाम संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सभा, जो ब्रेटन वुड्स यूएसए में 1944 को हुई थी, बेटा ध्यान से रखो, ये सभा कब हुई थी, 1944 में हुई थी। क्या कहना चाहता, दोबारा देखो, जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली है उसका नाम इस सभा में, ठीक है ना, इस सभा में जो 1944 में यूएसए में हुई थी के पश्चात रखा गया था, ठीक है, इस सभा के पश्चात उसका नाम रखा गया था। और जिसके कारण किसकी स्थापना हुई थी, आईएमएफ की स्थापना की गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो बेटा इसको पॉइंट को याद रखना, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। आगे, विदेशी विनिमय से अभिप्राय विदेशी मुद्रा से है, बेटा किससे है, विदेशी मुद्रा, यानी अगर मैं विदेशी विनिमय बोलता हूं तो उसका मतलब मैं विदेशी मुद्रा की बात कर रहा हूँ, फॉरेन करेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। बट अगर मैं विदेशी विनिमय दर बोल रहा हूँ तो उसका मतलब होता है कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए जो रेट लगता है उसे कहते हैं विदेशी विनिमय दर, ठीक है। बट सिर्फ विदेशी विनिमय बोला जाएगा तो आप क्या बोलोगे, उसका विदेशी विनिमय का मतलब होता है विदेशी मुद्रा, क्लियर हो गया। आगे, नम्य विनिमय दर क्या होता है, नम्य विनिमय दर का एक नाम और बता देते हैं, मुक्त विनिमय दर। बेटा इस थ्योरी में मैंने लिखवा रखा था, मांग और पूर्ति के द्वारा जो निर्धारित होती है, ठीक है ना, तो ये मैंने वहां लिखवा रखा है, बट नाम देख लीजिए। पर मुक्त विनिमय दर भी इसी को बोलते हैं, तरणशील विनिमय दर भी इसी को बोलते हैं, लोचशील विनिमय दर भी यही है, स्वतंत्र विनिमय दर भी बेटा यही है। तो ये सारे नाम आपको याद रखने, कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है, क्लियर है। मुक्त विनिमय दर, मुक्त, स्वतंत्र एक ही हो गया, तरणशील और लोचशील यहाँ पे आ गए, चार नाम है टोटल बेटा, ठीक है ना। आगे, गंती तरणशीलता बेटा किससे संबंधित होती है, बेटा ये नम्य विनिमय दर प्रणाली से संबंधित होती है, ठीक है, याद रखना। इसमें वैसे केंद्रीय बैंक भी बीच में हस्तक्षेप करता है, इसीलिए गंती तरणशीलता बोली जाती है। मगर यहाँ पे अगर कोई पूछेगा आपसे कि नम्य गंती तरणशीलता को ये बताओ किससे संबंधित, हम बोलेंगे नम्य विनिमय दर प्रणाली से संबंधित होती है, ठीक है। तो विनिमय दर की नम्य प्रणाली, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी हम अगर बात कर रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये किसका स्रोत है, बेटा ये है विदेशी मुद्रा की पूर्ति का। किसके? विदेशी मुद्रा की पूर्ति का, क्योंकि हमने मांग और पूर्ति पढ़ा था इसके अंदर, और मैंने ये बताया था बेटा जब आप यहां से बाहर की तरफ पेमेंट करोगे ना, बाहर वालों को पेमेंट करोगे, विदेश में जाके कुछ खरीद रहे हो, बेच रहे हो, बेच रहे हो, तो उसमें मांग की बात होती है। बट अगर एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ मान लो बाहर से आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे पूर्ति की बात होती है, ठीक है, जो हमारे यहाँ आएगा तो पूर्ति की बात, ठीक है, ऐसे ऐसे में याद रखना इसको, हमारे तरफ जो भी चीज आ रही है पूर्ति का कॉन्सेप्ट होगा वहां पे ज्यादातर, ठीक है, और जो हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है बेटा वहां पे मांग का कॉन्सेप्ट होगा बेटर, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और शायद अभी भी शायद बच्चों को ये पॉइंट समझ ना आया हो, कौन सा ये वाला, तो प्लीज इसलिए कहता हूँ थ्योरी देखा करो, थ्योरी वाले पोर्शन में अच्छे से समझाया होता है, क्लियर। चलो, बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं है, अगर मैं समझाऊंगा तो बेटा बहुत लंबी वीडियोज बन जाएगी जिसका कोई फायदा नहीं है, डन।
क्योंकि मैंने देखा ना अक्सर कि जब हम वो करते हैं, मैं अगर चार चार ऑप्शन वाले अगर समझाने बैठता ना तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता, ये मैंने बार बार बताया हुआ आपको। इसीलिए तो जैसे बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी यूट्यूब पर, उसमें क्या है चार चार ऑप्शन करके फिर टिक लगवाया जाता है, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है वो आपको पता है। डन, चलो यहाँ पे आठवां बोल रहे, तो किस प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न देशों में प्रचलित विभिन्न करेंसियों के बीच समता की एक साझी इकाई को स्वर्ण माना जाता है। तो बेटा ये स्वर्ण वाला ना स्वर्णमान प्रणाली के अंदर ही था, ठीक है। तो विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली मैंने पढ़ाया था ना, विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली और विनिमय दर की समंजनीय प्रणाली। समंजनीय वाली कौन सी थी बेटा? ब्रेटन वुड्स वाली। ब्रेटन वुड्स को ही कहते हैं समंजनीय प्रणाली, ठीक है ना। इसका नाम मैं लिख दूंगा, चाहे तो अभी भी लिखना चाहो तो लिख लो, समंजनीय प्रणाली भी इसको बोलते हैं, क्लियर है। तो स्वर्ण वाली जो होगी तो विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, और जो ब्रेटन वुड्स वाली समंजनीय प्रणाली। आगे, वह दर जिसका निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है बेटा वो स्थिर विनिमय दर होती है, जो मांग पूर्ति के द्वारा होती है वो नम्य वाली होती है, क्लियर है। चलो, तो सरकार द्वारा होती है जो, इसको स्थिर विनिमय दर कहते हैं। घरेलू करेंसी का मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन विनिमय दर में क्या करता है? वृद्धि की स्थिति है, यानी हमारी करेंसी का मूल्य ह्रास होना यानी हमारी करेंसी का वैल्यू गिरना, इसका मतलब होता है विनिमय दर में वृद्धि की स्थिति है। क्योंकि देखो ना, एक डॉलर मान के चलो 70 रुपये का है, ठीक है ना, INR जो है ना वो 70 है, ठीक है। अब मान के चलो आपकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट होगी, घरेलू करेंसी गिर जाती है, मान लो तो गिरा देते हैं, तो घरेलू करेंसी जब गिरती है ना इसका मतलब आपको अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे डॉलर खरीदने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है ना। ये तो इसका मतलब यहाँ पे इस तरह से पढ़ते हैं बेटे, बड़ी नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो आपको पहले 70 में मिलता डॉलर, आप 75 में मिला तो आपकी करेंसी मजबूत हो गई, बेटा मजबूत कमजोर हो रही है। तो घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास होना बेटा, मूल्यह्रास होना का मतलब इसका क्या था, पहले 70 रुपये था मूल्य, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 70 रुपये में एक डॉलर आ जाता था और अब आपको 75 रुपये देकर के एक डॉलर हो रहा है, तो इसको कहते हैं मूल्यह्रास होना। क्या कहते हैं? मूल्यह्रास, ठीक है। तो इससे क्या होता है, विदेशी विनिमय जो होता है, ठीक है, विनिमय दर जो होता है बेटा वो बढ़ जाता है, विनिमय दर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसमें विनिमय दर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बट बेटा आपकी करेंसी जो है ना उसका डब्बा गोल हो रहा है, क्लियर है। अब हमने देखो 10 क्वेश्चन हमने कर लिए और जो एस्टिमेटेड टाइम है हमारा वो 7 मिनट के आसपास है, तो 7 मिनट में 10 क्वेश्चन कर लिए, काफी अच्छा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो उसके लिए थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट में जाइए, वहां पे बहुत अच्छे से डिमांड सप्लाई सब समझाया हुआ है एक चीज। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11 देखते हैं बेटा। 11 में क्या लिखा है, विदेशी विनिमय की कीमत, या ये बोल दो विदेशी विनिमय की दर बोल सकते हो, यानी आर रेट, और विदेशी विनिमय की मांग या विदेशी विनिमय के लिए मांग यानी हमारा डी। बेटा इनमें जो रिलेशन होता है वो विपरीत संबंध होता है बेटा। कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है, यानी अगर हमारी जो है रेट बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम, रेट कम होते हैं तो डिमांड ज्यादा। रेट बढ़ने पर डिमांड कम, रेट के कम होने पर डिमांड ज्यादा, यानी कौन सा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है बेटा। इसको बना लो क्योंकि इससे आपके काफी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो उसके बाद पॉइंट नंबर 12 में क्या लिखा है, विदेशी विनिमय की दर और विदेशी विनिमय की पूर्ति में क्या संबंध होता है? तो मैंने कहा अगर रेट बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, रेट घटा तो ये भी घटेगा, क्लियर है। तो ये कौन सा संबंध है बेटा? ये बढ़ने पे ये बढ़ रहा है, ये घटने पे ये घट रहा है, तो इसका मतलब धनात्मक यानी सीधा संबंध है, ये आपका सीधा संबंध है और ये आपका उल्टा यानी विपरीत संबंध है, क्लियर हो गया। चलो, बट अगर संतुलन की अवस्था में बोलेगा, जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होता है, क्या होता है, जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होता है, तो ऐसी जगह आप क्या बोलोगे? तो याद रखना जो आपने रिलेशन पढ़ा होता है बेटा वो ठीक उल्टे हो जाते हैं, जहां पे विपरीत पढ़ाता है वहां धनात्मक संबंध देखने को मिलेगा और जहां धनात्मक होता है वहां विपरीत संबंध देखने को मिलेगा, क्लियर है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी अगर मैं बोलूं विदेशी विनिमय की दर और मांग में कैसा संबंध दिखेगा आपको, तो आपको धनात्मक संबंध दिखेगा, जबकि होता एक्चुअल में क्या है, विपरीत संबंध होता है। तो पेपर में अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसके बेस पे बताना आंसर, नॉर्मली क्वेश्चन पूर्ति के लिए पूछेगा तो इसके बेस पे बताना, बट अगर वो संतुलन की अवस्था में पूछता है या बोलता है कि फ्री मार्क, जब इक्विलिब्रियम लेवल यानी संतुलन की अवस्था पे पूछता है, साम्य की अवस्था में पूछता है, साम्य बोल दो, समता बोल दो, अभी पढ़ा था ना हमने, ठीक है ना, या इसको संतुलन बोल दो, तो अगर उसी अवस्था में पूछता तो जहां पे आप बोलोगे कि दर और मांग के बीच में धनात्मक संबंध होता है, इसका मतलब दर बढ़ने पर जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी और दर के कम होने पर डिमांड भी कम होगी, तो संतुलन की अवस्था पर ठीक उल्टा हो जाता है, क्लियर हो गया। यानी नॉर्मल में क्या है, यहाँ पे आपको ऋणात्मक संबंध दिखेगा, यहाँ आपको धनात्मक संबंध, बट अगर संतुलन की अवस्था वाला क्वेश्चन है तो संतुलन अगर लिखा हुआ दिख गया एक जगह भी तो समझ जाना कि मांग और दर में आपको वहां धनात्मक संबंध दिखेगा, ऋणात्मक नहीं दिखेगा, और जहां धनात्मक होता था वहां क्या दिखेगा बेटा, ऋणात्मक संबंध दिखेगा, क्लियर हो गया। यानी अगर मैं पूर्ति केस में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा जब
रेट बढ़ा तो पूर्ति कम हो गया, ऐसा पढ़ूंगा यहाँ पे, और रेट कम हो गया तो पूर्ति बढ़ेगी किसमें, इसी वाले केस में, ठीक है, संतुलन वाले केस में। बट अगर नॉर्मल संतुलन वाला नहीं है, नॉर्मल लाइन ली है, तो बेटा ये पढ़ोगे कि ध्यान से संबंध होता है, क्लियर हो गया। विदेशी करेंसी की मांग, विदेशी करेंसी की मांग में कमी के कारण, अब ध्यान से देखना, विदेशी करेंसी की मांग में कमी हो रही है, इस मांग का कम होने का मतलब क्या है, यानी आप उसकी करेंसी की डिमांड नहीं कर रहे हो, और जब आप किसी देश की करेंसी की डिमांड नहीं करते हो तो उसका मतलब विनिमय दर बेटा क्या होता है, कम हो जाता है बेटा, क्या होता है कम हो जाता है। तो विदेशी करेंसी की मांग में कमी के कारण, ठीक है, विनिमय दर में क्या जाती है, कमी आ जाती है, क्या जाती है, कमी आ जाती है। सपोज करो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो डॉलर की डिमांड आपने गिरा दी है, यानी जो डॉलर थी उसकी डिमांड आपने कम कर दी है, डॉलर की डिमांड कम होने का मतलब है बेटा उसकी सप्लाई ज्यादा है, क्या उसकी सप्लाई ज्यादा है, जब डिमांड कम हो गई तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा है, ठीक है ना। तो जब भी किसी चीज की डिमांड कम हो रही है ना, बात को समझो डिमांड कम हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो सप्लायर है, एक गुड्स के फॉर्म में देखो कि मान लो आपके गुड्स की डिमांड कम हो रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एज अ सप्लायर आप क्या करोगे, जो बचा कुचा माल है उसको कम रेट पर निकाल लोगे, तो रेट भी बेटा क्या देखने को मिलता है उस केस में, कम देखने को मिलता है, क्लियर है। तो वही लिखा हुआ, विदेशी करेंसी की मांग में कमी के कारण विनिमय दर में भी क्या होती है, कमी हो जाती है। तो प्रैक्टिकली समझना क्वेश्चन को, डन, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का, क्योंकि चैप्टर में ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कि कटा हुआ है काफी ज्यादा, ये चैप्टर आ कितना रहा आपको पता तो है, सिर्फ 3-4 डेफिनेशन थी, ज्यादा कुछ आका रहा है इसमें, कुछ आ ही नहीं रहा इसमें, तो काफी ज्यादा पोर्शन सारा कटा पड़ा है, तो काफी कम क्वेश्चन बनने वाले हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो आगे देखिए फटाफट से, पॉइंट नंबर 15, विदेशी मुद्रा के मूल्यह्रास के कारण, अगर विदेशी मुद्रा का मूल्यह्रास हो रहा है, यानी इसके मूल्य को कम किया जा रहा है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति होगी बेटा वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर है। आगे पॉइंट नंबर 16, शेष विश्व द्वारा प्रत्यक्ष कर, यानी बाहर वाला जो देश है वो आपके यहाँ से क्या कर रहा है, क्रय, यानी बाहर वाला क्या है, आपके यहाँ से खरीद रहा है कोई चीज, ठीक है ना। तो जब भी मैंने कहा था आपके यहाँ अगर पैसे की बात आएगी तो बेटा पूर्ति की बात करते हैं, बेटा किसी बात करते हैं, पूर्ति की बात करते हैं, और अगर आप बाहर शेष विश्व में कुछ काम कर रहे होते हो तो बेटा वहां पर मांग, क्योंकि आपको बाहर देश की करेंसी की मांग करनी पड़ती है, क्लियर है। इसीलिए बेटा थ्योरी पढ़ो, मैं बार बार हर बार हर थोड़े बाद यही बात बोलता हूँ, ठीक है ना। आगे मुद्रा की मूल्य वृद्धि से अभिप्राय, यानी मुद्रा की मूल्य में वृद्धि होने से अभिप्राय है, ऐसी स्थिति से है जब विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, क्योंकि जो मूल्य वृद्धि ये सब जो हम पढ़ते हैं बेटा घरेलू मुद्रा के वे में पढ़ते हैं ज्यादातर, ठीक है ना, नॉर्मली हम इसी वे में पढ़ते हैं, और अगर जबरदस्ती अगर अगले दूसरे वे में पढ़ना चाहते हैं कि डॉलर की मूल्य वृद्धि होगी तो बेटा फिर तो अलग ही बात है, ठीक है ना। बट हम जो जनरली जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा वो घरेलू के वे में पढ़ेंगे, डन। तो इसने बोला मुद्रा की मूल्य वृद्धि से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जब विदेशी मुद्रा के संबंध में घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है, घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मूल्य बढ़ना यानी मूल्य वृद्धि, क्लियर हो गया। चलो, विनिमय दर के स्वर्ण के रूप में व्यक्त की गई मुद्रा की कीमत है, विनिमय दर स्वर्ण के रूप में व्यक्त की गई मुद्रा की कीमत है, बोलेंगे नहीं बेटा स्वर्ण वाला पहले चलता था, हम ये नहीं बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, क्लियर। पॉइंट नंबर 19, बट बेटा पॉइंट नंबर 18 तक उतार लीजिए, बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें सारे, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रबंधित तरणशीलता, इसकी डेफिनेशन मैंने कुछ और भी लिखवाई थी वहां पे, ठीक है। तो प्रबंधित तरणशीलता केंद्रीय बैंक द्वारा, किसके द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी करेंसी के क्रय विक्रय की वह प्रक्रिया है, यानी प्रबंधित तरणशीलता केंद्रीय बैंक की, क्यों, जो केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी करेंसी के क्रय विक्रय की वह प्रक्रिया है जिससे कि विनिमय दर को वांछित सीमाओं के अंदर क्या किया जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है, रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं और उसके अंदर तक उसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। तो वह प्रबंधित तरणशीलता, क्योंकि बेटा इसी में मैनेज्ड वर्ड आता है, इंग्लिश में बोलो तो मैनेज्ड फ्लोटिंग कहते हैं, तो बेटा मैनेज तो यहीं पे हो रहा ना सारा, रूल्स रेगुलेशन की बात यहीं पे हो रही है बेटा, तो ये आपका प्रबंधित तरणशीलता है, क्लियर है। जब विदेशी मुद्रा घरेलू मुद्रा के संबंध में सस्ती हो जाती है, बाहर वाली मुद्रा जो है वो सस्ती हो गई और आपकी मुद्रा जो है वो महंगी हो रही है, इसका मतलब अब आपको एक यूएस डॉलर को खरीदने के लिए बेटा कम रुपयों की आवश्यकता होगी, हम बोलेंगे बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बेटा ये भी पूछ सकता है कितने रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, आप बोलोगे कम रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों, क्योंकि विदेशी मुद्रा सस्ती हो गई, बहुत ज्यादा सस्ती है, और आपकी मुद्रा महंगी है, नहीं आपकी मुद्रा जो है वो मजबूत हो रही है, तो बेटा आप कम रुपये में आप ज्यादा डॉलर ले सकते हो, क्लियर हो गया।
अब ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 21, 22, 23, 24, ये सारे पॉइंट्स घरेलू मुद्रा के संबंध में है। यानी आप लिख सकते हो, इसके आगे लिख लो घरेलू मुद्रा। क्या? घरेलू मुद्रा। हर किसी की यहाँ पे घरेलू मुद्रा है, यानी घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास कब होता है? तो घरेलू मुद्रा का मूल्यह्रास कब होता है, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन कब होता है, घरेलू करेंसी की मूल्य वृद्धि की बात कर रहा है, घरेलू करेंसी के पुनर्मूल्यन की बात कर रहा है। ठीक है, मूल्यह्रास मतलब डेप्रिसिएशन हो गया। अब मैंने पढ़ाया था थ्योरी में कि डेप्रिसिएशन जो होता है बेटा, वो बाजार की मांग और पूर्ति की, बाजार की शक्तियों के कारण होता है। यानी ये मांग पूर्ति के द्वारा जो होता है बेटा, वो मूल्यह्रास होता है। इसमें सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती, क्लियर? सरकार का कोई रोल इसमें नहीं होता मूल्यह्रास में, क्लियर हो गया। दूसरा अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब होता है डीवैल्यूएशन। क्या होता है? डीवैल्यूएशन होता है। डीवैल्यूएशन सरकार द्वारा जानबूझकर क्या की जाती है, कीमत कम की जाती है बेटा, घरेलू करेंसी की कीमत क्या की जाती है, कम की जाती है, वो डीवैल्यूएशन हो गया। और इसमें मांग पूर्ति, इसमें पूर्ति तथा मांग की बाजार शक्तियों की कोई भूमिका नहीं निभाती, मतलब ये इसमें पूर्ति तथा मांग की बाजार शक्तियां कोई भूमिका नहीं निभाती है, क्लियर हो गया। यानी अगर आपसे मूल्यह्रास बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, इसमें सरकार कोई भूमिका नहीं निभाती, ये बाजार की मांग और क्या लिखा हुआ है, पूर्ति के द्वारा होता है। क्या हो रहा है? मूल्यह्रास मतलब कम होना और अवमूल्यन मतलब भी कम होना। तो दोनों केस में करेंसी की वैल्यू कम होगी, बट पहले वाले में मांग और पूर्ति के द्वारा होगी, और दूसरे वाले में जो वैल्यू कम होगी बेटा, वो किसके द्वारा होगी, सरकार के द्वारा जानबूझकर की जाएगी, क्लियर हो गया। बट अब यहाँ पे है घरेलू जो करेंसी है उसकी मूल्य वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? घरेलू करेंसी की जो मूल्य वृद्धि और घरेलू करेंसी का पुनर्मूल्यन, ये क्या होता है बेटा, इन दोनों में क्या है, मूल्य बढ़ेगा। पुनर्मूल्यन मतलब होता है रीवैल्यूएशन। क्या होता है? रीवैल्यूएशन। वो क्या था? डीवैल्यूएशन। वो डी ई वाला था, ये आर ई है, रीवैल्यूएशन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन हो रहा है। तो हम अगर हम रिवैल्यूएशन की बात करते हैं और मूल्य वृद्धि की बात करते हैं, तो बेटा मूल्य वृद्धि जो होगा ना, वो हमेशा मांग पूर्ति के कारण होगा। मूल्य वृद्धि किसके कारण होगा? मांग और पूर्ति के द्वारा होगा, और सरकार इसमें कोई भूमिका अदा नहीं करती, इसमें मांग और पूर्ति आता। तो मांग पूर्ति से कौन कौन हो रहा है? एक तो मूल्यह्रास और दूसरा मूल्य वृद्धि। मूल्यह्रास और मूल्य वृद्धि दोनों किसके कारण हो रहा है? मांग और पूर्ति की जो बाजार शक्ति है, मांग पूर्ति की बाजार शक्ति है, उसके कारण होता है। बट मूल्यह्रास में कीमतें मतलब जो है घरेलू मुद्रा की जो वैल्यू गिरेगी, और इसमें क्या होगी बेटा, बढ़ेगी मूल्य वृद्धि। अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन बेटा, ये दोनों सरकार के द्वारा होते हैं। और अवमूल्यन में करेंसी का वैल्यू सरकार गिराती है जानबूझ के, और पुनर्मूल्यन में सरकार करेंसी की वैल्यू जो है बेटा क्या करती है, जानबूझ के अधिक करती है। इसमें मांग पूर्ति का कोई रोल नहीं है सवालों में। समझ में आ गया बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पीछे के चार, ये और मैंने बोल दिया इनके। आप लिख सकते हो घरेलू मुद्रा, घरेलू करेंसी का मूल्यह्रास, घरेलू करेंसी का अवमूल्यन कब होता है, घरेलू करेंसी का मूल्य वृद्धि, और घरेलू करेंसी का पुनर्मूल्यन कब होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो फिर आपसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि खत्म हो गया। मैं 2 या 3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ बस, ठीक है ना, इसमें ज्यादा नहीं बना सकता बट मैं। तो आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और कर लेते हैं फटाफट से। विनिमय दर की स्वर्णमान प्रणाली, जिसको विनिमय का टकसाली समता मूल्य बेटा क्या है, टकसाली समता मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, मैंने ये थ्योरी में पढ़ाया हुआ है इसलिए कह रहा हूँ थ्योरी बेटा, प्लीज देख लो, देख लो, देख लो अगर अच्छे नंबर चाहते हो तो। और ये भी चाहते हो कि बीकॉम या बीए करते वक्त इकोनॉमिक्स में आपको ये सब याद रहे, तो बेटा देख लो थ्योरी, वहां तो पढ़ना ही है फिर दोबारा, ठीक है ना। यह इसको टकसाली समता भी कहते हैं बेटा। क्या है? टकसाली समता। ये टकसाली, ठीक है, टकसाली समता भी कहते हैं। तो ये सीधा नाम है, डन। फिर विनिमय दर की ब्रेटन वुड्स प्रणाली, ब्रेटन वुड्स प्रणाली जो है, जिसमें डॉलर के बेस पे होता था, और ये इस वाले में स्वर्ण के बेस पे विनिमय दर का निर्धारण होता था। पहले वाले में स्वर्ण के बेस पे, दूसरे वाले पे डॉलर के बेस पे ना। तो ब्रेटन वुड्स प्रणाली को क्या कहते हैं? विनिमय दर की समंजनीय सीमा प्रणाली भी कहते हैं। तो दोनों ये नाम याद रखना, ये दोनों नाम सेम है, ये सारे नाम सेम है, क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने देख जगह जगह छान चुन के बेटा बना लिए, क्योंकि देखो बुक से बनाने पड़ते हैं, ऑनलाइन तो मिलते हैं नहीं एमसीक्यू, हिंदी मीडियम वालों को तो बेटा है ही नहीं एमसीक्यू, यानी कहाँ गायब कर रखे हैं सभी ने। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एमसीक्यू भर भर के मिल जाते हैं, जगह जगह मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से देखो, मैं इस चैप्टर का मैंने एंड कर दिया, छोटा सा चैप्टर था, ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो बनी भी नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि सब कोर्स कटा हुआ है इसके अंदर से, वरना बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे इसमें। वायदा बाजार, हाजिर बाजार, जो ये तुम्हारा क्या नाम है, इसके ऊपर, करेंसी की मांग पूर्ति के ऊपर, तो इतने क्वेश्चन बना सकता हूँ, बना के सब बुक में भी मिल जाएंगे बेटा आपको, इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट जब आई नहीं था तो कहाँ से पढ़ाएं जबरदस्ती का, ठीक है ना। तो उसको खत्म करते हैं। अब आपका इस वाले बुक से सिर्फ एक चैप्टर के एमसीक्यू रह गए, बाकी वो चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर की थ्योरी है तो सारी कंप्लीट है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो ना, ठीक है, एमसीक्यू तो होते रहेंगे,
तो एमसीक्यू आ जाएंगे आपके पास, आप चैप्टर की थ्योरी पढ़ लो। कब का लास्ट चैप्टर भुगतान से खत्म हो चुका था, शायद 1-1.5 महीना हो गया हो, क्या पता, ठीक है ना। तो प्लीज उसे खत्म कर लो थ्योरी का, मैं उसके बाद उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा भुगतान से इसके। तो इससे पहले कि मैं 1 मार्क के क्वेश्चन डालू भुगतान से इसके, प्लीज आप उसके ना थ्योरी कर लेना। डन, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।